हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 बेब्लेडर्स के बारे में। जी हाँ, इनकी रैंकिंग होगी। आप सबको बता दूं, ये टॉप 10 बेब्लेडर्स अपने बेब्लेड स्पिरिट की वजह से रैंक हो गए। तो जिनको नहीं पता बेब्लेड स्पिरिट क्या होती है, तो पहले आपको बता देता हूँ। बेब्लेड स्पिरिट एक बेब्लेडर के लिए बहुत ही अहमियत रखती है। वो एक पावर रहती है जो उसके पूरे दिल से निकलती है। जिधर एक बेब्लेडर अपना 100% लगा के अपनी लिमिट तोड़ के अपने दोस्तों और परिवारों को बचाता है, तो उसे बेब्लेड स्पिरिट कहते हैं। और हाँ, इसमें हम बेब्लेड बर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी 10th पोजीशन पे आता है बर्न फायर ब्लेज। बर्न फायर ब्लेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है और इसका ओनर फीनिक्स है। जैसे कि आप सबको मालूम है, बर्न फायर ब्लेज ने ही, जो झिंगा का डैड है, उसने ये वाला कॉन्सेप्ट बेब्लेड मेटल फ्यूरी में चालू किया था, बेब्लेड स्पिरिट, जिससे झिंगा को अपने आप पे विश्वास हुआ और वो बेब्लेड स्पिरिट पे भरोसा करने लगा था। हमारी नंबर 9th पोजीशन पे आता है मासामुने। जी हाँ, मासामुने का नेचर बहुत ही जिद्दी है, पर लेकिन यही जिद्दीपन उसे बहुत ही स्ट्रांग बनाती है और इसका बेब्लेड स्पिरिट बहुत ही हाई है। इसने झिंगा को हराया था जब बेब्लेड बैटल मास्टर की न्यू सीरीज चालू हुई थी और झिंगा का गैलेक्सी पेगासस पे पूरा कंट्रोल नहीं था, तो वो झिंगा से जीता था। और मासामुने के बेब्लेड का नाम है स्ट्राइकर, और हमें इसके थ्रू बेब्लेड स्पिरिट देखने मिली जब वो फैंटम ओरायन के साथ लड़ाई कर रहा था। और हमारी नंबर 8 पोजीशन पे आता है सुबासा। सुबासा का बेब्लेड है अर्थ ईगल। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है और इसमें सुबासा के पास बहुत ही बड़ी बेब्लेड स्पिरिट है, और ये बेब्लेड स्पिरिट सुबासा के लिए बहुत ही खतरनाक है। सुबासा के पास जो बेब्लेड स्पिरिट है वो पूरी तरह डार्क टाइप है, वो उसे खुद कंट्रोल करने नहीं आ पाती। ये उसके लिए जब है जब उसको बहुत ही गुस्सा आता है, उसे लगता है कि वो बहुत ही कमजोर है और इसमें हमेशा उसकी गलती रहती है कभी कोई इंपॉर्टेंट चीज या मैच हार जाए तो। और हमारी नंबर 7 पोजीशन पे है क्रिस। क्रिस एक लेजेंडरी बेब्लेडर है और इसका बेब्लेड फैंटम ओरायन है। क्रिस का नेचर बहुत ही घमंडी टाइप है और इसकी बेब्लेड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, तो इस वजह से इसको एक लेजेंडरी बेब्लेड का ओहदा मिला और इस वजह से ये नंबर 7 पोजीशन पे है। और हमारी नंबर 6 पोजीशन पे जो जगह बनाता है वो है केंटा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है और इसका बेब्लेड है सेजिटेरियो, जो बाद में एक लेजेंडरी बेब्लेड में इवॉल्व हो जाता है। केंटा ने अपनी बेब्लेड स्पिरिट को बहुत बार प्रूफ किया है, जैसे कि झिंगा के टाइम, क्योया के टाइम और रायुगा के टाइम। जब रायुगा मर जाता है तो केंटा अपने आप को रागो के खिलाफ खड़ा करता है, और केंटा एक तरह का लेजेंडरी टाइप का बेब्लेडर है। तो हमारी नंबर 5 पोजीशन पे आता है क्योया। क्योया का बेब्लेड है रॉक लियोन, जो बाद में फैंग लियोन में बदलता है, पर लेकिन क्योया ने अपने आप को बहुत बार प्रूफ किया है और उसने बहुत बार अपने बेब्लेड स्पिरिट को इम्प्रूव किया है। उसने बहुत सारे बैटल्स किए हैं रायुगा, सुबासा और झिंगा। क्योया एक लेजेंडरी टाइप का बेब्लेडर है और सिर्फ इसका एक ही सपना है कि वो झिंगा हगाने को हराए, और इसका ये सपना पूरा करने के लिए वो किसी को भी अपने बीच आने नहीं देता। क्योया ही सबसे पहला बेब्लेडर है जिसने रायुगा की पूरी डार्क पावर को बाहर निकाला था, और इस वजह से ये हमारी 5th पोजीशन पे है। हमारी नंबर 4th पोजीशन पे आता है झिंगा। झिंगा बेब्लेड मेडल सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। झिंगा का नेचर बहुत ही सिली है और इसका बेब्लेड का नाम है पेगासस, और इसका बेब्लेड लगातार 4 बार इवॉल्व हुआ है। झिंगा ने अपने बेब्लेड स्पिरिट को 2 बार प्रूफ किया है, एक बार रायुगा के टाइम और एक बार रागो के टाइम, और इस वजह से ये हमारी 4th पोजीशन पे है। हमारी नंबर 3rd पोजीशन पे है टाइसन। बेब्लेड स्पिरिट की शुरुआत टाइसन से हुई की सीरीज से हुई थी, और टाइसन का बेब्लेड है ड्रैगून। टाइसन ने अपनी पूरी बेब्लेड सीरीज में कभी नहीं हार माना है, चाहे उसके सामने कोई भी बड़ा अपोनेंट खड़ा हो, पर लेकिन उसने कभी भी हार नहीं माना। उसने अपनी बेब्लेड स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए ही अपने दोस्तों को बचाया है, और टाइसन हमारी नंबर 3rd पोजीशन पे है। हमारी नंबर 2nd पोजीशन पे है रायुगा। रायुगा का प्राइड रायुगा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रायुगा करीब 2 बार ही हारा है अपनी पूरी बेब्लेड की हिस्ट्री में, और रायुगा का यही प्राइड संभालने के लिए रायुगा ने अपना पूरा 100% के ऊपर दे दिया था, अपनी पूरी बेब्लेड स्पिरिट चालू कर दी थी, और रायुगा इसी लड़ाई में अपने आप को मार देता है, और इस वजह से वो हमारे 2nd पोजीशन पे है। हमारी नंबर 1 पोजीशन पे आता है काय। काय एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है और इसका बेब्लेड है ट्रॉन्जर। काय ने अपने आप को बहुत बार प्रूफ किया है और इसका
इसका बेब्लेड स्पिरिट बहुत ही हाई है। इसके हाई बेब्लेड स्पिरिट की वजह से इसने अपने ड्रॉन्जर को अभी तक इतना काबू में रखा है। और काई है जिसने पूरी तरह ब्रुकलिन को हराया है। इसे बस सबसे अच्छा बेब्लेडर बनना है और इसकी ताकत का कोई जवाब ही नहीं और इसकी हिम्मत का। काय कभी हार मानता नहीं है और इसने अपना पूरा 100% दिया था और अपनी पूरी जान गवा दी थी ब्रुकलिन के टाइम, और इस वजह से ये हमारी नंबर वन पोजीशन पे है। तो हाँ दोस्तों, आप चाहे तो आप अपनी लिस्ट भी कमेंट बॉक्स से मुझे बना के दे सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। गुड बाय।